Joining me will be the Pakistan captain, the winning captain, Babar Azam. पहले तो अल्लाह का शुक्र है और जिस तरह बिल्कुल जीत के हमेशा खुशी आती है और कॉन्फिडेंस आता है और इसी कॉन्फिडेंस को लेके हम आगे जाएंगे। मेरे ख्याल से पूरी टीम एफर्ट थी, जिस तरह बॉलिंग हमने स्टार्ट की, जिस तरह स्पिनर्स ने स्टार्ट किया, उसके बाद शहीन ने, उसके बाद हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की, तो ओवरऑल बॉलिंग साइड और स्पेशली मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहता हूँ फील्डिंग हमारी, तो फील्डिंग में हमने काफ़ी अच्छी की है जिसकी वजह से इतना कम टोटल हुआ। Obviously, the compliments go towards the bowling lineup of Shaheen, Harris, and the fielding effort of Pakistan team in this win. अगर आप वापस देखेंगे जब मैच शुरू हुआ था तब आपकी एक प्लानिंग रही होगी कि अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कम से कम रनों में रोकेंगे, क्या आप खुश थे इस टोटल से या चाहते थे और कम टोटल देना? मेरे ख्याल से 10 रन थोड़े से ज़्यादा हुए, कम हो सकता था, लेकिन क्रिकेट है ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारा यही प्लान था कि जितना भी हो हम स्टिक करेंगे और स्पेशली फिर बैटिंग में आए और उसके बाद अर्ली ऑन विकटें गिरी, पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रेडिट देना चाहता हूँ शुएब मलिक को, सीनियर जो प्लेयर हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया, उसके बाद जो आसिफ अली था जो हमारा फिनिशर है उसने आज मैच फिनिश किया। Asif Ali, Shoaib Malik, of course, all of them contributing in today's victory for Pakistan, 2 out of 2. और इससे बेहतर क्या स्क्रिप्ट हो सकती थी? और अगला मुकाबला और भी ज़्यादा अहमियत रखता है यहाँ से, तो किस तरीके का बात करने वाले हैं आप ड्रेसिंग रूम में और क्या प्रेपरेशन रहेगी अगले मुकाबले के लिए? देखें, हर मैच क्रूशल मैच है और इजी मैच नहीं है, और कोशिश यही करेंगे कि डे बाय डे, मैच टू मैच हम खेलें और जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको कैरी ऑन करें और ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें, तीनों शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अ वेरी गुड।